नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पानी के विषय में एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। अक्सर हम लोग अपने दैनिक जीवन में काफ़ी हड़बड़ी में पानी पीते हैं, चलते चलते पानी पीते हैं, खड़े होकर पानी पीते हैं। तो इस विषय में दोस्तों यही कहूंगा कि आप लोग जहां तक संभव हो सके पानी हमेशा बैठ कर पिएं, इत्मीनान से पिएं और एक एक सिप करके पिएं। जी हां दोस्तों, अक्सर आप लोग देखते होंगे चिड़िया जो होती हैं, पंछी या फिर जानवर कहीं पर भी तालाब में पानी पीते हैं, जहां पर भी पानी पीते हैं तो हल्का सा इस तरह से पानी पीते हैं। जी हाँ दोस्तों, हल्का गुनगुना पानी पिएं, बैठकर पिएं, इत्मीनान से पानी पिएं और पानी का एक सिप मुंह में लें, 2-3 सेकंड तक अपने मुंह में रखें ताकि आपकी जो सलाइवा आपका लार उस पानी में मिले, उसके बाद फिर उस पानी को पिएं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। और दूसरा, जैसा कि आपको पता है कोविड केसेस, कोरोना केसेस फिर बढ़ रहे हैं, तो जहां तक संभव हो सके घर पर ही रहें और घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क ज़रूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ दोस्तों अपना हाथ भी धोते रहें और बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, क्योंकि इस वक्त डेल्टा वायरस जो कि ज़्यादा खतरनाक था और ऐसा सुनने में आया कि ओमिक्रॉन वायरस थोड़ा सा कम खतरनाक है, जो कि सिर्फ गले पर ही घातक, गले के लिए घातक है, जो कि लंग्स में नहीं फैलता ऐसा सुनने में आया है। तो वो 3-4 दिन अपना 7 दिन का साइकिल पूरा करके रिकवरी रेट उसका फास्ट है, लेकिन फिर भी आप लोग अपना सारा जो प्रोटोकॉल है कोरोना का उसको फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, कोरोना वैक्सीन के बारे में एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ कि अब कोरोना का तीसरा डोज भी लेना शुरू हो चुका है। जितने भी मेडिकल इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कंपाउंडर्स, तो उन लोगों को दवाइयाँ तीसरा डोज लेना उन्होंने शुरू कर दिया है, या फिर 60 साल से ऊपर बुज़ुर्ग जिन्हें कई बीमारियाँ हैं वो डॉक्टर से की सलाह से ही वैक्सीनेशन ज़रूर लें तीसरी डोज अपनी। और जिन्होंने जो डोज लिया है उसे जो पहले जो डोज लिए हैं, जैसे कोविड शील्ड का डोज लिया है तो वो कोविड शील्ड का ही डोज लगवाएं, अगर कोवैक्सीन लिया है तो कोवैक्सीन या फिर जो स्पुटनिक है वो स्पुटनिक ही लें। और ऐसा सुनने में आया कि लगभग 9 महीना उनका दूसरा डोज लिए हुए हो जाना चाहिए तभी वो तीसरा डोज लें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जय हिंद।